Hello everyone, this is Kiran Chavlani welcomes you to our Career Point YouTube channel. So, this is our last lecture for the first chapter of biology, that is like processes. So, let's start. आज का chapter, जो आज हमारा topic है, that is excretion. तो, let's start it. What do you mean by excretion? What is excretion? तो, excretion is expelling waste from the body. अब, excretion में ना हमारी body से दो type के होते हैं. One is undigested food and second is हमारी body से nitrogen waste को expel करना. पहला, हम लोग जो जितना भी undigested food होता है, जब हमने nutrition में पढ़ा था, तो large intestine से food आकर एनस के थ्रू बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है. सेकंड इज हमारे ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अकुमुलेट होता जाता है. अगर बहुत टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहेगा तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है. तो इसलिए हम उसे बॉडी से एक्सपेल आउट करना डेली रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो हम हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में उसे एक्सपेल करते हैं. सो excretion is the process of expelling waste from the body. Body से waste को expel करना, that is हमारा excretion. Now, excretion in plants. Usually, excretion in plants क्या होता है? Excretion in plants कैसे होता है? Like, plants के अंदर इतना ज़्यादा metabolic activities नहीं होता है, ना वो इतना ज़्यादा consume करते हैं food को, तो waste भी इतना ज़्यादा generate नहीं होता है. But उनका जो waste होता है, वो किसी एक simple organ के through नहीं निकल रहा है. वो different तरीकों से अपने waste को expel करते हैं. Firstly, that is oxygen, जो photosynthesis के time पे food के साथ oxygen prepare होता है, तो वो उसको क्या करते हैं? Release कर देते हैं, जिसे हम inhale करते हैं. Secondly, carbon dioxide, जब वो respire करते हैं, जब वो oxygen inhale करते हैं, same time पे CO2 उनके अंदर भी produce होता है and वो उसको expel करते हैं. Thirdly, this is excess of water. उनकी body में जो excess of, like plants के अंदर जो excess of water होता है, या तो by the process of transpiration, या तो in the form of droplets, like ऊपर हम लोग देखते हैं ना, leaves के छोटे-छोटे droplets होते हैं, that is droplets के form में वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ release कर देते हैं. Now, abscessation, जो abscessation होता है, that is हमारा falling of yellow leaves, like fall down होना, जैसे food ripen हो गया, तो ज़्यादा देर तक जो plants होते हैं, उसे bear नहीं करते हैं, just fall down कर देते हैं, वो गिर जाता है. एंड जैसे येलो कलर की लीव्स होती हैं, वो कभी भी स्टिक नहीं रहती हैं प्लांट से, वो यूजुअली वो भी फॉल डाउन हो जाती हैं. तो फेलिंग ऑफ लीव्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स आफ्टर राइपनिंग, दैट इज हमारा एब्सेसेशन. लास्ट इज हमारा स्टोरेज. जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फूड बहुत सारा बच जाता है, एज आई सेड कि इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, एज सच नहीं होती हैं, तो उनके अंदर जो फूड होता है वो बहुत सारा स्टोर हो जाता है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट फॉर देम. अगर फूड काम नहीं आ रहा तो हम लोग सेम टाइम पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिलीज कर देते हैं. बट इनमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो वो लोग अपने फूड को स्टोर करते हुए जाते हैं, जैसे हम गम, लेटेक्स इन डिफरेंट फॉर्म्स में डिराइव करते हैं. Now, excretion in man. जो excretion होता है वो usually हर किसी को करना होता है. Waste हर कोई expel करेगा अगर food को consume कर रहा है. जो microorganisms होते हैं, unicellular organisms होते हैं, prokaryotes होते हैं, इनके अंदर जो organ होता है वो absent होता है excretion के लिए. इनके अंदर जो process होता है, that is diffusion, वो diffusion process से ही like food को intake भी करते हैं और उसको expel भी करते हैं. Now, जो higher organisms होते हैं, compulsory नहीं है कि उनके पास हमारी तरह kidneys हो for expelling the waste. तो उनके पास भी different organ होते हैं, like earthworm के पास nephridia होता है, small pore opening, जिसे वो अपने waste को excrete करते हैं. ऐसे similar way में different animals, organisms के पास different form of excretory organ होता है. But that depends कि हाँ, excretion तो होना ही है, भले किसी भी organ से हो, that does not matter. Now, excretory system of men, this is very important for you. Usually, excretory system ka diagram jo hai, wo bar bar boards pooch lete hain. To is diagram ko hume bahut achhe se samajhna hai and bahut achhe se learn bhi karna hai. And usko draw karna hume aana chahiye. Koi difficult diagram nahi hai. Respiratory system ki tarah, ye bhi bahut easy diagram hi hai. Now, excretory system in men, this is humare main four parts jo hote hain, wo jyada tar label karne ko aate hain. Whenever the question will be in your paper, आपसे फोर चीजें हमारी excretory organs के अंदर फोर parts mainly label करने को पूछे जाएंगे. One is हमारा kidney, second is हमारा ureter, third is हमारा urinary bladder and fourth is हमारा urethra. ये जो चार चीजें होंगी, ये main parts होते हैं हमारे excretory system in men में, तो हमें या human beings में, तो usually हमें इसको बहुत अच्छे से like देखना है कि ये कहाँ पे हमें label करना है and कैसे इनका जो structure है वो draw करना है.
सो यहाँ पे आपको ये दो पेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दैट इज हमारा किडनी, जो एक ह्यूमन बींग होता है उनके अंदर वन पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, इट मीन्स टू होते हैं वो नंबर में. दोनों किडनीज जो होती हैं वो शेप एंड साइज में सेम नहीं होती हैं. जो राइट हैंड साइड होती हैं वो किडनी थोड़ी सी छोटी होती है, नॉट मोर बट हाँ थोड़ी सी छोटी होती है, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली थोड़ी बड़ी होती है. दोनों का शेप बिल्कुल रिजेंबल करे इसका कोई कंपल्शन नहीं होता है, दोनों का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है. किडनीज के अंदर जो इनका बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज हमारा रेनल कॉर्टेक्स होता है, एंड अंदर की पार्ट, अंदर की तरफ इनका एक पार्ट होता है, लाइक जो बाहर का पार्ट होता है अंदर से अगर हम डिसेक्शन करें या देखें तो इनका ये वाला पार्ट जो होता है वो रेनल कॉर्टेक्स होता है, और अंदर इनका इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज हमारा रेनल मेड्यूला होता है. जो अंदर का ये बल्जिंग पार्ट होता है इसे हम हाइलम बोलते हैं, बट इतना लेबलिंग हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो हमें मेन फोकस करना है इसकी, जो किडनी है हमारा वो पेयर या बीन शेप्ड है, दो हैं, मतलब एक पेयर है, एक पेयर ऑफ यहाँ पे आपको आता हुआ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यूरेटर. यहाँ पे अ पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, इट मीन्स यूरेटर भी दो होते हैं जो कि किडनी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. नीचे एक पेयर शेप्ड हमारा लाइक एक सेक होता है, एक स्टोरेज टैंक टाइप का होता है, दैट इज हमारा यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसका यूजुअली काम होता है स्टोरेज, एंड देन एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज हमारा यूरेथ्रा. बहुत बार बच्चे इन लेबलिंग में बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो यूरेटर को यूरेथ्रा लिख देते हैं एंड यूरेथ्रा को यूरिनरी ब्लैडर लिख देते हैं. तो प्लीज़ लेबलिंग बहुत अच्छे से समझना एंड उसको बहुत अच्छे से लर्न करो. सबसे पहले हमारे पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज में बीच में हमारी ये रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन होती है, दैट इज हमारे साइड से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर, राइट. उसके नीचे जो पियर शेप्ड ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर इट मीन स्टोरेज वर्क कर रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर नाम से ही हमें थोड़ा सा लर्न हो जाना चाहिए कि जो बीन पियर शेप जो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज फंक्शन कर रहा है दैट इज हमारा यूरिनरी ब्लैडर. लास्ट में अ स्मॉल पाइप लाइक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम यूरिन को पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से, दैट इज यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा. नाउ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. किडनी के अंदर नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ छोटे छोटे कुछ लाइक सब होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर और ऑर्गन, ऑर्गन नहीं बोल सकते, इट्स अ यूनिट जिसकी वजह से किडनी फंक्शन कर पाता है. जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं वैसे ही किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर्स का फंक्शन होता है यूरिन को डिराइव करना. जितना भी ब्लड आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको क्लीन करके यूरिन प्रोवाइड करना, ये सारा काम नेफ्रॉन्स का होता है. नेफ्रॉन्स बहुत कॉइल्ड होते हैं, बहुत नंबर्स में होते हैं, क्योंकि जो किडनी है उसे बहुत जल्दी फंक्शन करना होता है, बहुत जल्दी ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट निकालना होता है, तो इसलिए इनके नंबर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे जो होते हैं नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. जब नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड के ऊपर लगते हैं तो जितना भी यूरिन हमारा कलेक्ट होता है वो कलेक्टिव डक्ट से यहाँ पे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास पास ऑन कर दिया जाता है. तो यूरेटर का एज सच कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट उसका एक कनेक्टिव लिंक का फंक्शन है. ये किडनी से जो यूरिन है उसे लाकर यूरिनरी ब्लैडर को प्रोवाइड कर रहा है. यूरिनरी ब्लैडर एक हमारा स्टोरेज सेक की तरह बिहेव करता है. एट अ टाइम वहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता जाता है होता जाता है. इसके पास बहुत सारी इनवॉलेंट्री न्यूरॉन्स होते हैं. जो इनवॉलेंट्री न्यूरॉन्स होते हैं वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमें भी पता है एक्सक्रीशन हमारा वॉलेंट्री फंक्शन नहीं है. ब्रेन लाइक हम लोग सोच कर जबरदस्ती मतलब लाइक एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि लाइक नेचुरली होता है. तो जो यूरेटर होता है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है. यूरेटर का काम होता है बॉडी से इजेक्ट करना हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे यूरिन बना उसे. नाउ नेफ्रॉन हम लोगों ने ये देख लिया
कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है. बट जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूरोन और नेफ्रॉन में हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो यूनिट ऑफ किडनी होते हैं जो कि यूरिनेशन फंक्शन करते हैं. एंड जो नेफ्रॉन्स होते हैं एंड जो न्यूरोन होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर सेल्स होते हैं जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे. राइट नाउ हम नेफ्रॉन्स के बारे में देख लेते हैं. जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिए. दिस इज नेफ्रॉन. एक सिंगल जो नेफ्रॉन होता है वो इस टाइप का होता है. ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड मिलियंस ऑफ नंबर में किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं. नेफ्रॉन जो है वो कंप्लीट एक नहीं है, वो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका पहला होता है दैट इज हमारा वोमेंस कैप्सूल. जो वोमेंस कैप्सूल होता है वो बिल्कुल हमारा अ टाइप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इस टाइप का. एंड उसके ऊपर एक ग्लोमेरुलस होता है, दैट इज हमारा ग्लोमेरुलस. जो हमारी रेनल आर्टरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज के फॉर्म में होती हैं, उनके बंच को जब वो एक ओवरलैप कर जाती हैं वोमेंस कैप्सूल को तो हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. नीचे की तरफ वोमेंस कैप्सूल होता है. जितना भी मेन वर्क होता है फिल्ट्रेशन का, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो वर्क होता है वो हमारा वोमेंस कैप्सूल का होता है. सेकेंड इज हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल. जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है, पहला हमने जो कपलेक्स स्ट्रक्चर है उसको तो पार्ट में बांट दिया, दैट इज हमारा वोमेंस कैप्सूल. बट नीचे जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पूरा होता है उसे हमने पूरा कंप्लीटली नाम दे दिया हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल. नेफ्रिक ट्यूब्यूल हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड इज हमारा लूप ऑफ हैनल एंड थर्ड इज हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो हमारा जो नेफ्रॉन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज वोमेंस कैप्सूल, सेकेंड पार्ट इज नेफ्रिक ट्यूब्यूल. जो हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल है ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड इज हमारा लूप ऑफ हैनल एंड थर्ड इज हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. Now, this is the structure of nephron. नेफ्रॉन में आप देख रहे होंगे जो किडनी है उसके अंदर की तरफ ये जो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पार्ट है, यहाँ पे ज़्यादातर नेफ्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है तो जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टिवली बीच में आ जाते हैं एंड बीच में आकर वहाँ से जो ब्लड होता है उसे ले लेते हैं प्योरिफिकेशन वर्क के लिए. जैसे ही ब्लड है वो सबसे पहले यहाँ पे आता है, दैट इज़ हमारा ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल. जो ये आपको रेनल आर्टरी दिख रही है, ये रेनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है फॉर प्योरिफिकेशन. यहाँ पे आते ही ये जो बंच आपको दिख रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल कैपिलरीज होती हैं. ये रेनल आर्टरीज से ही बनती हैं. जब नंबर ऑफ रेनल आर्टरीज खुद एक जगह पे कलेक्टिवली आ जाती हैं तो दैट इज हमारा वो ग्लोमेरुलस बन जाता है. ग्लोमेरुलस, देन यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्मॉल कपलेक्स स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हमारा वोमेंस कैप्सूल. ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस बिल्कुल एक टाइप ऑफ छन्नी की तरह, एक फिल्टर, एक सीव की तरह बिहेव करता है. और जैसे ही ब्लड उसके अंदर आता है तो ये जितने भी बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यूजफुल सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सोडियम या फिर बड़े बड़े जो हमारे शुगर्स पार्टिकल होते हैं उन्हें वहाँ से कलेक्ट कर लेता है एंड जहाँ पे भी उसे यूज लेता है जो ब्लड है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे ऑलरेडी हो चुका होता है, जितना भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है. एंड लास्टली जो बड़े बड़े जो हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो वेस्ट हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें साइड में कलेक्ट होकर वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सेकेंडली अब जो वेस्ट को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, वेस्ट अलग हो गया, यूजफुल थिंग्स अलग हो गई, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पहले ही हो गया, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन छोटा नहीं बहुत सारा फिल्ट्रेशन हो गया. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. जो वोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, दोनों मिलकर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं. उसके बाद जितना भी बचा हुआ ब्लड होता है वो यहाँ से पास ऑन हो जाता है. यहाँ आपको बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे. इसमें जो थ्री पार्ट्स हमने डिवाइड करे थे, दैट इज PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज हमारा लूप ऑफ हैनल, ये होता है. एंड थर्ड इज हमारा DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो हमारा ये होता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इनके फंक्शंस भी इन्हीं की तरह डिवाइडेड होते हैं. सबसे पहले जब ब्लड यहाँ से फ्लो करता है तो ये जो ट्यूब्स होती हैं इनका वर्क होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना. प्लस वाटर का एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है यूजफुल मिनरल्स का, यूजफुल थिंग्स का, जैसे हमारा कैल्शियम, सोडियम एसेट्रा.
नाउ जो कैल्शियम होता है वो लाइक वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उसके बाद जो ब्लड है वो यहाँ से लूप ऑफ हैनल में जो है वहाँ से फ्लो करता है. लूप ऑफ हैनल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ हमारा ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, और ये पीछे का जो पार्ट होता है ये होता है हमारा एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल. जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल होता है ये सिर्फ जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो वाटर के लिए तो परमिएबल होती है बट मिनरल्स के लिए इम्परमिएबल होती है. इट मीन्स ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है. तो वाटर एब्जॉर्ब होते ही अब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यूरिन के अंदर मिनरल्स रह गए. जैसे ही यहाँ से पास ऑन होता है दैट इज हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनल की जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होती है बट जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके लिए परमिएबल होती है. वाटर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है हमारे मिनरल्स का, मिनरल्स यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है. यहाँ पे जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती हैं ये पास ऑन करती हैं यूरिन को कलेक्टिव डक के अंदर. डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड हमारा कलेक्टिव डक दोनों ही सिमिलरली क्या करते हैं, उसको जितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है उसे रीअब्जॉर्ब करते हैं. एंड लास्टली जो कलेक्टिव डक्ट होता है यहाँ से वो यूरेटर को अपना ब्लड जो है वो पास ऑन कर देते हैं. देन यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो होता है वो पास ऑन हो जाता है. यूजुअली जो नाइट्रोजन वेस्ट है हम बॉडी से इजेक्ट करते हैं दैट इज़ हमारा लाइक हार्मफुल वेस्ट होता है, जैसे हमारे अमोनिया यूरिया के फॉर्म में हमारा बॉडी से जो है वो वेस्ट निकलता है. तो ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एंड यूरिन के फॉर्म में हम लोग इन चीज़ों को इजेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी. और जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो हमारे वेंस के थ्रू वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है. आई होप सो आपको किडनी एंड जो हमारा एक्सक्रीटी ऑर्गन है वो समझ आ गया होगा, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है नेफ्रोन्स के थ्रू जो होता है वो समझ आ गया होगा. अब समटाइम्स क्या होता है बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों की वजह से, लाइक बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होने की वजह से या कभी किसी एक्सीडेंटल केसेस की वजह से या कभी किसी डिजीज़ की वजह से जो किडनीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं या अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं. बहुत बार स्टोन हो जाता है जिसकी वजह से भी जो किडनीज़ होती हैं वो वर्क नहीं कर पाती हैं. तो उस केसेस में हम लोग एक्सटर्नली किडनी का फंक्शन करते हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ा सा ऐड हो सके, या जब तक हमारी वो डिज़ीज़ है जब तक हमारे वो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाए. तो उस प्रोसेस को एक्सटर्नली हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस करना दैट इज़ हमारा होता है हीमोडायलिसिस. जो हीमोडायलिसिस होता है उसमें डायलिसिस मशीन होती है जो कि जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो एक्सटर्नली हम लोग जो ब्लड है उसको एक लाइक इंट्रोड्यूस करते हैं उस मशीन के अंदर एंड वो ब्लड जो है वो प्योर करके जो प्योर ब्लड है वो वापस हमारी बॉडी में पास ऑन कर दिया जाता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड while adding desirable substances into the blood through a semi-permeable membrane of a dialysis membrane. ये जो membrane होती है ये semi-permeable होती है. ये semi-permeable membrane सिर्फ और सिर्फ जो nitrogenous waste होते हैं उनको ही permit करती है. जैसे ही वो उन्हें permit करेगी तो वो permit करके वहाँ पर blood ये बिल्कुल isotonic solution बनाते हैं blood के लिए. It means blood का solution और जो ये dialysis के अंदर जो होता है solution वो बिल्कुल same उसके होते हैं. इनके अंदर solute और solution दोनों का concentration बिल्कुल सेम होता है. तो अगर कोई मूवमेंट कर रहा है दैट इज हमारा वाटर और मिनरल्स मूव करता है जिसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर की तरफ रह जाते हैं एंड जो ब्लड होता है वो अंदर की तरफ रह जाता है. फिर इस जो जितना भी वेस्ट है जो बाहर की तरफ रह गया उसे कलेक्ट कर दिया जाता है एंड ब्लड को वापस से बॉडी में पास ऑन कर दिया जाता है. इट इज इन दिस पेशेंट ब्लड इज़ पास थ्रू सीलोफेन मेम्ब्रेन. यूजुअली जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ आप अभी मैं लाइक आपको पिक्चर दिखाऊंगी दैट इज़ जो मेम्ब्रेन के अंदर से वो पास हो रहा है दैट इज़ हमारा सीलोफेन मेम्ब्रेन. डायलिसिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच एक्ट एज सुपरफाइन स्टेनर. जो स्टार्टिंग में ही डायलिसिस जो मशीन होती है उनके अंदर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो कि एक स्टेनर की तरह एक छन्नी की तरह बिहेव करता है जैसे हमारा बॉमिन्स कैप्सूल करता है. राइट, दिस इज़ हमारा डायलिसिस प्रोसेस. जो इन्फेक्टेड या जो पेशेंट है वहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ पे जा रहा है. दिस इज़ इम्प्योर ब्लड. जब ब्लड यहाँ से इम्प्योर इट मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट अभी इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है. जब यहाँ से ब्लड गया तो ब्लड यहाँ से ये डायलिसिस मशीन के थ्रू पास ऑन होता है. दैट इज़ हमारा सीलोफेम मेम्ब्रेन होता है. बाहर की तरफ एक सॉल्यूशन होता है जिसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन टाइप का बनाता है ये ब्लड से. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होता है ताकि यहाँ पे ब्लड जो है वो डिफ्यूज़ ना कर सकें, ऑस्मोसिस प्रोसेस ना कर सके.
जितना भी वेस्ट होता है वो ब्लड से बाहर की तरफ, जितना भी ब्लड होता है वो यहाँ से, जितना भी मिनरल्स अनवांटेड जो होते हैं हमारे, उन वेस्ट को, सॉल्ट्स को बाहर की तरफ इजेक्ट कर दिया जाता है. जो वेस्ट है वो बाहर की तरफ यहाँ से मेम्ब्रेन में कलेक्ट होकर यहाँ की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ से प्योर दिस इज़ हमारा फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन. यहाँ से ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिवॉल्व होता रहता है, सॉल्यूशन जाता है एंड पास ऑन होता रहता है एंड जो वेस्ट है वो वहाँ पे साइड में कलेक्ट होता रहता है ताकि जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो निकलता जाए एंड फ्रेश डायलिसिस प्रोसेस से और ज़्यादा मिनरल जो है वो कंटेंट बाहर की तरफ, हमारे अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर की तरफ आ पाएँ. जो अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाते हैं एंड यहाँ से सॉल्यूशन के फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ से हम न्यू जो सब्सटेंस है वो कंटिन्यूअसली पास ऑन करते रहते हैं. उसके बाद जैसे हमारे ये ब्लड प्योर हो जाता है वापस से उसे जो पेशेंट है उसके पास पास आउट कर दिया जाता है. फ्रॉम एपेरेटिस टू वेन, यूजुअली हम लोग जो ब्लड लेते हैं वो आर्टरी से कनेक्ट करके लेते हैं और जो हम पेशेंट को वापस से जो ब्लड है वो पास ऑन करते हैं दैट इज हमारा वो वेन्स में पास ऑन होता है. एंड यहाँ पे ट्यूब सिस्टम मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ये पूरा ट्यूब सिस्टम होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यूजुअली ये पंप से भेजा जा रहा है जो ब्लड है वो आर्टरी से. डायलिसिस सॉल्यूशंस हैं ये दोनों, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है हमारा ये जो पास ऑन हो रहा है और दिस इज हमारा यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट. जितना भी यूरिया और जितना भी एक्सेस सॉल्ट था वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर. हमारा चैप्टर बस यहीं तक था. दैट इज़ हमारे शॉर्ट समरी अब पूरी खत्म हो चुकी है. अब लास्ट हमारा जो है दैट इज़ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस. आई होप आपको अभी तक का जो समरी था वो समझ आ गया होगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 1 मार्क्स इज, बाय विच प्रोसेस इज ब्लड फिल्टर आउट इन बॉमेंस कैप्सूल. किस प्रोसेस के थ्रू जो बॉमेंस कैप्सूल होता है उसके अंदर ब्लड फिल्टर आउट होता है. वन इज हमारा रीअब्सॉर्प्शन, सेकेंड इज हमारा सिक्रीशन, थर्ड इज हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ इज हमारा नन ऑफ दिस. रीअब्सॉर्प्शन तो ज़्यादातर जो होता है हमारा लूप ऑफ हैनल के अंदर होता है. सिक्रीशन जो होता है यहाँ पे कुछ चीज सिक्रीट हो नहीं रही है एंड थर्ड इज हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दैट इज हमारा मे बी राइट आंसर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो बॉमेंस कैप्सूल होता है एंड ग्लोमेरुलस होते हैं दोनों कलेक्ट करके बहुत सारा फिल्ट्रेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. चेक द आंसर्स. यस, आर आंसर इज करेक्ट, दैट इज हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ किडनी. इनमें से कौन सा एक फंक्शन किडनी का नहीं है. फर्स्ट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, सेकेंड ब्लड फिल्ट्रेशन, थर्ड आयंस कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेशन एंड फोर्थ इज हमारा एंटीबॉडी सिक्रीशन. यूजुअली ब्लड प्रेशर हमारा शायद तक किडनी का वर्क हो सकता है, सेकेंड हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन वो तो होता ही है, थर्ड इज हमारा आयन कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेशन. ऑब्वियसली बात है अगर वो सॉल्ट्स को ले रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आयन्स को भी रेगुलेट कर ही रहा है. फोर्थ इज हमारा एंटीबायोटिक एंटीबॉडी सिक्रीशन. आई डोंट थिंक सो कि वेस्ट को बाहर निकालने में एंटीबॉडीज का कहीं पर भी फंक्शन है और हमारे हर एक ऑर्गन को एक सिंगल पर्सनल वर्क दिया हुआ है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज का सिक्रीशन थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है. लेट्स चेक द आंसर. दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड आयंस कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेशन आर द फंक्शंस ऑफ किडनीज. हाउएवर सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द किडनी. यूजुअली जो एंटीबॉडीज का सिक्रीशन है वो किडनी का फंक्शन नहीं होता है, वो हमारे डिफरेंट इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है. बट यहाँ हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज राइट आंसर. नाउ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. हमें पता है असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस जो हैं वो हमें 4 टाइप से आंसर करना है. वन इज हमारा कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, सेकेंड इज हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं बट रीजन जो है वो गलत ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, थर्ड हमारा जो असर्शन है वो सही है पर रीजन बिल्कुल गलत है एंड फोर्थ इज हमारा कि रीजन बिल्कुल सही है पर असर्शन गलत है. लेट्स डू द प्रैक्टिस. असर्शन, जो असर्शन स्टेटमेंट है हमारा दैट इज सेइंग द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन. जो पर्पस होता है यूरिन का वो पर्पस होता है फिल्टर करना अनडाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से. सेकेंड रीजन इज किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन.
हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फिल्टर करना काम होता है एसर्शन किडनी का या हमारे एक्सक्रीटी ऑर्गन का काम होता है अननेसेसरी फूड को फिल्टर करना, एंड सेकेंडली वो बोल रहा है कि किडनीज जो होती हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें फिल्टर करती हैं. दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट सेकेंड इज हमारा रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. एज हम लोग भी जानते हैं कि हमारे जो किडनी होती है वो यूजुअली हमारा क्लीनिंग फंक्शन ही करती है और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोवाइड करती है. स्टार्टिंग में ही मैंने चैप्टर के आप लोगों को बताया था जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है, तो यहाँ पे किडनीज का कोई फंक्शन नहीं होता. तो हमारा आंसर इज असर्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट नाइट्रोजन एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल गलत है. रीजन उसका सही है बट असर्शन गलत है, क्योंकि हमारे किडनीज का फंक्शन होता है नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करना हमारे वेस्ट ब्लड से, लाइक जो हमारा ब्लड है उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. जो लास्ट में जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज असर्शन इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली बट द एक्चुअल वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर अ डे. यूजली जो एक एडल्ट होते हैं उसमें पर डे जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए दैट इज हमारा 180 लीटर होता है डेली, बट जितना भी हम लोग एक्सपेल करते हैं दैट इज हमारा कहीं ना कहीं 1 लीटर का ही होता है. रीजन फॉर दिस इज मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. जो हमारा बहुत सारा जो फॉर्म होता है जो वेस्ट होता है नाइट्रोजन वेस्ट वो हमारे स्वेट के फॉर्म में पसीने के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. तो आपको लगता है कि 180 लीटर्स में से हमारी बॉडी खुद की 1 लीटर एक्सपेल कर रही है एंड हम लोग सिर्फ स्वेट से बाकी का रिमेनिंग 179 लीटर जो है वो एक्सपेल कर लेंगे. दैट इज़ इम्पॉसिबल. सो आंसर हमें पहले ही आ गया, दैट इज़ हमारा सी. जो हमारा असर्शन था वो तो करेक्ट था बट हमारा रीज़न उसका बिल्कुल इनकरेक्ट है. नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली. ये बात बिल्कुल सही है कि 180 लीटर्स डेली होता है हमारा फिल्टर. हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअल एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 a day. यूजली उसका जो एक्सपेलिंग होता है वो हमारा 1 लीटर और 2 लीटर अ डे होता है. Because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. क्योंकि जो remaining होता है वो हमने देखा था पूरा loop of Hanel में पूरा Bowman's capsule और glomerulus में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा water ही absorb करते हैं. तो हम लोग जितनी भी useful चीज़ें होती हैं useful salts होते हैं useful sugars होते हैं sodium ion और बहुत सारे ions होते हैं उन्हें बहुत सारा already absorb कर चुके होते हैं. तो हम expel ही इतना कम waste करते हैं जितना हमें waste को expel करना चाहिए. क्योंकि अगर हम इतना loss करने लगे हमारे water का यूरिन के फॉर्म में तो हमारी बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इज व्हाट इज एक्सक्रीशन हाउ डू यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट. जो एक्सक्रीशन होता है मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली इन्होंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछी है एंड सेकेंडली आपसे पूछा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं. सो आंसर फॉर दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. मतलब हम लोग जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें हमारा वेस्ट भी रिलीज होता है. दैट इज उस वेस्ट को रिलीज करना बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. नाउ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूजुअली वो एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. यूजुअली जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the methods used by plants to get rid of excretory product? क्या ऐसे methods होते हैं जिनसे plants अपने excretory product को बाहर की तरफ expel कर सके. So answer is various methods used by the plant to get rid of excretory product are diffusion. सबसे पहले diffusion होता है that is oxygen and CO2 का. Secondly transpiration होता है जितना भी waste water होता है या extra water होता है वो transpiration के through expel कर दिया जाता है. Falling of dead parts like leaves, flowers जितने भी dead parts होते हैं leaves, flowers, fruits जो भी होते हैं ripen हो जाते हैं तो उनको फॉलिंग वे में या जस्ट गिरा कर शेड कर जो ये होते हैं एक्सपेल कर देते हैं हमने डेड पार्ट्स को. एक्सक्रीशन बाय स्टोरेज यूजुअली जब उनके पास कोई और तरीका नहीं होता है तो वो अपने रिमेनिंग फूड को स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन गम्स एसेट्रा.
So our last question for 5 marks is, draw a neat diagram of an excretory unit of a human kidney and label it parts. जो ये पूछ रहा है, that is हमारा unit of kidney. हमें भी पता है, जो unit of kidney होती है, that is हमारा nephrons होता है. क्योंकि main जो urination का function होता है, वो हमारा nephrons करते हैं. तो यहाँ पे हमें nephron का structure देना है, जो like draw करना है and उसे label करना है. Secondly, give one advantage of having a large number of these highly coiled structure in our kidney. हमारी kidney के अंदर जो ये structures हैं, जो का जिनका डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स इतने हाईली कॉइल क्यों होते हैं, उनका रीजन पूछा गया है. थर्ड में आपसे मेंशन एनी टू सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलेटेड सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस यूनिट. जो हमारा ये सेलेक्टिवली फ्लो करता है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, तो वाटर के साथ साथ किन सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन होता है, उसमें से दो सब्सटेंसेस आपसे पूछे गए. Now let's check the answer. First is हमारा unit of kidney हमें draw करनी है, that is हमारा nephron. Nephron में first is हमारा glomerulus, then हमारा Bowman's capsule, third हमारा फिर पूरा loop of Hanel बनेगा. Compulsory नहीं है कि आप ये बहुत अच्छे से इसी type का diagram बने. अगर आप usually like Bowman's capsule को ऐसे a cup-like structure भी draw करते हैं and बीच में अगर थोड़ी बहुत ऐसे capillaries करके tubular structure भी बनाते हैं directly, तो भी हमारा चलेगा. Then हमारा बिल्कुल यहाँ पे लूप ऑफ एनल, देन हमारा DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्टली हमारा कलेक्टिव डक्ट. जो ब्लड लाइक हम लोगों को इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है, जरूरी नहीं है हम इतना स्ट्रक्चर कॉल्ड बनाएं. अगर हम सिंपली भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज दैट विल बी वर्किंग. सेकेंडली, जो सेकेंड पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, that is give one advantage of having a large number of these highly coiled structure in our kidney. जो ये highly coiled structures होते हैं nephron के kidney पे, उनका क्या advantage है या क्या reason है. Presence of large number 1 million in each human kidney of nephrons help in increasing the surface area of both filtration of waste and reabsorption of useful substances. Usually वो जितना coiled होंगे कम से कम space में आ सकते हैं, and जितना ये coiled होते हैं उनका surface area कम हो जाता है, and अंदर से surface area जो होता है वो increased form में होता है, ताकि maximum absorption और maximum filtration same time पे हो सके. Now थर्ड पार्ट, मेंशन एनी टू सब्सटेंसेस विच आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एट द एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस यूनिट. सो आंसर इज होल ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स. जितने भी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं एंड अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट इज हमारा प्रोटीन यूनिट. ये पूरा का पूरा ज़्यादातर रीअब्सॉर्ब किया जाता है विद द वॉटर. एंड लार्ज अमाउंट ऑफ Na+, दैट इज हमारा सोडियम आइंस एंड वॉटर, आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन टू ब्लड कैपिलरीज. थैंक यू. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.